कैसे हैं आप लोग। देश अभी मुश्किलों से गुजर रहा है और जिसका वजह है कोरोना की महामारी। इस लॉकडाउन की वजह से जो विद्यालय बंद हुए हैं, आशा है कि आप इस समय में अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सकुशल होंगे एवं कोरोना की महामारी को हराने में देश की मदद कर रहे होंगे। इस महामारी से बचने का एकमात्र उपाय है साफ सफाई एवं भीड़ भाड़ से दूरी बनाए रखना। अपने हाथों को साबुन से धोते रहें एवं अपने घर के वातावरण को आसपास को साफ रखें। साबुन से कम 20 सेकंड तक अपने हाथ को धोना है। आपको पता होगा कि शैक्षणिक सत्र की शुरुआत अप्रैल से होती है, सो अप्रैल में इस लॉकडाउन के मद्देनज़र बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम कक्षाओं का संचालन दूरदर्शन और इंटरनेट मोबाइल ऐप के माध्यम से शुरू करेंगे। इसमें हमारा सहयोग दिया है यूनिसेफ ने और दूरदर्शन ने। एजुकेशनल मटेरियल्स को मोबाइल पर टीवी पर देख सकेंगे। मोबाइल पर देखने के लिए आपको उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय डाउनलोड करना होगा और उसके माध्यम से आप सभी तरह के सभी क्लास के सभी विषयों के कंटेंट को देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे और यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप उसे उस ऐप पर पोस्ट कर सकेंगे और हमारे एक्सपर्ट्स उसका उस पर उत्तर देंगे। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल या इंटरनेट नहीं है तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपने एजुकेशनल कंटेंट को डीडी बिहार पर एयर करेंगे, जहां आप उसे देखकर सीख सकेंगे, क्विज में भाग ले सकेंगे और अगर किसी तरह की समस्या हो पढ़ाई संबंधी तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर अपनी शंका का समाधान कर सकेंगे। तो आइए बच्चों, अपने घरों में सुरक्षित रहते हुए विद्या ग्रहण करें एवं स्वयं को शिक्षित एवं मजबूत बनाएं। सुरक्षित रहें, घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें पता है कि आप अभी के समय में अपने विद्यालय को बहुत मिस कर रहे हैं, इसलिए दूरदर्शन के माध्यम से हम आपके पास आपके विद्यालय को लेकर आए हैं, जिसमें आपकी कक्षाएं भी लगेंगी तथा आप सब मजेदार और प्रेरक कहानियां भी सुन सकेंगे। तो बस तैयार हो जाइए और हाँ, अपने पास अपनी कॉपी एवं कलम रखना ना भूलें। इस कक्षा में भी अगर आपके मन में आज के विषय से संबंधित कोई जिज्ञासा एवं प्रश्न आए तो नोट जरूर करते जाना है। आज के एपिसोड में हम कक्षा 9 के विज्ञान का एक रोचक पाठ गति के साथ शुरुआत करेंगे, जिसके बाद हम गणित में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना जानेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, जिससे कि आपको उसका फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। हर वीडियो के बाद हम एक छोटा सा क्विज भी करेंगे। उसके बाद हम लोग एक बहुत मजेदार कहानी देखेंगे, जो कहानी है ज्योति की और कहानी का नाम है प्रेम नगर और शहद का गांव। इस कहानी से हम यह भी सीखेंगे कि किसी भी समस्या का समाधान कैसे निकाल सकते हैं हम। उसके बाद हम शुरू करेंगे कक्षा 10 की पढ़ाई, जिसमें हम गणित का पहला पाठ वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम विज्ञान का पहला पाठ शुरू करेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और इसमें भी हर वीडियो के बाद जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उस पर हमें छोटा सा क्विज करेंगे। आप सभी क्विज के सवालों को अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं ताकि बाद में आपको पढ़ने में आसानी हो। और हाँ दोस्तों, एपिसोड के शुरुआत में आपको यह भी बताया गया था कि आप जो भी समस्याएं आए आज के पाठ को लेकर, आज के विषय को लेकर, उन सब को भी आप नोट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं।
हेलो फ्रेंड्स, आज हम गति के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम मोशन भी कहते हैं। आप सभी गति के बारे में तो जानते ही होंगे। कहीं भी कोई काम हो रहा हो तो उसमें गति जरूर होती है। इसी चीज को हम विस्तार में जानेंगे और इस वीडियो में हम तीन चीजों की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम किन किन तीन चीजों पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मोशन यानी कि गति होती क्या है। फिर हम जानेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा में गति, और अंत में हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी और विस्थापन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं गति के बारे में। अब ये मोशन क्या होता है? सीधे शब्दों में जाने तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यानी कि कोई वस्तु मूव कर रहा है तो वो मोशन में है, और अगर वो एक जगह पर रुका हुआ है तो उसको हम कहेंगे कि वो रेस्ट पर है। अब आपके आसपास की वस्तुओं को देखिए और सोचिए कि वे रेस्ट में हैं या फिर मोशन में। देखिए, जैसे कि ये बच्चा स्कूल जा रहा है तो ये बच्चा मोशन में है। बच्चों, आपने कई बार पेड़ से पत्तों को गिरते हुए देखा होगा, वो भी मोशन ही कहलाएगा। यानी कि कोई भी वस्तु जो हिल रही हो मोशन में कहलाती है, और कोई भी वस्तु जो स्थिर अवस्था में हो वो रेस्ट में कहलाती है। अब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन को समझ लेते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अगर कोई वस्तु जैसे कि एक कार सीधी रोड पर चल रही है तो इस टाइप के मोशन को मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहते हैं। इसलिए जब किसी वस्तु की स्थिति संदर्भ या समय के फ्रेम के संबंध में बदलती है तब हम उसे गति में कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो ट्रेन के संदर्भ में तो हम स्थिर अवस्था में होते हैं, लेकिन जमीन के संदर्भ में हम गति में होते हैं। यानी कि अगर हम चलते ट्रेन में ही हैं तो ट्रेन में बैठा आदमी हमें स्थिर दिखेगा, लेकिन अगर हम जमीन पर खड़े हैं तो चलते ट्रेन में बैठा आदमी हमें गति में दिखेगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि दूरी और विस्थापन यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब जरा यहां देखिए, ये बस एक जगह ए से चलकर अपनी दूसरी जगह बी पर जा रही है। अब ये अपने रास्ते में कई बार अपनी दिशा बदल रही है, तो जो लंबाई बस ने अपनी इस रास्ते में कवर की उसे हम डिस्टेंस यानी कि दूरी कहेंगे। अब मान लेते हैं कि ये बस एक दूसरे रोड से जा रही है जो कि डेस्टिनेशन ए से बी तक सबसे छोटी दूरी में पहुंचेगी। अब ये स्टेट रोड ए और बी के बीच में, जिसमें कि एक दिशा में वस्तु मूव कर रहा हो और वो भी सबसे छोटी दूरी में, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन कहेंगे। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि आप अपने घर से सुबह चलते हैं अपने स्कूल के लिए, जो कि 4 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन स्कूल पहुंचने के लिए आपको काफी घूम के जाना पड़ता है और वो रास्ता 7 किलोमीटर का पड़ जाता है। तो जरा सोचिए और बताइए कि आपके घर से स्कूल तक की दूरी कितनी होगी और घर से स्कूल तक का विस्थापन क्या होगा। ये सवाल आप लोग नोट कर लीजिए और घर से सोच के आइएगा। हम इस जवाब की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा। आशा करता हूं आपको यह सब समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। डेली क्विज, पहला प्रश्न, अगर कोई वस्तु चल रही है तो वह डैश में है। ऑप्शन ए गति में, ऑप्शन बी स्थिरता, ऑप्शन सी त्वरण में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न, वस्तु की स्थिति के लिए किसका होना आवश्यक है?
ऑप्शन ए दिशा, ऑप्शन बी निर्देश बिंदु, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी ए और बी। प्रश्न तीन, निर्देश बिंदु को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मूल बिंदु, ऑप्शन बी शुरुआती बिंदु, ऑप्शन सी स्थिति बिंदु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चौथा प्रश्न, इनमें से कौन सा गति का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए चलती हुई कार, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी दीवार, ऑप्शन डी दीवार के कण। प्रश्न पांच, वस्तु की स्थिति किसी वस्तु का डैश दर्शाती है? ऑप्शन ए दिशा, ऑप्शन बी निर्देश बिंदु, ऑप्शन सी स्थान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर, क्वेश्चन एक का ए, क्वेश्चन दो का डी, क्वेश्चन तीन का ए, क्वेश्चन फोर सी, क्वेश्चन फाइव सी। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बेलन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बेलन होता क्या है। तो दोस्तों, आप सभी ने पानी की बॉटल देखी होगी और आपके घर में खाना पकाने वाला जो गैस का सिलेंडर है वो देखा होगा और उस आकार की काफी सारी चीजें देखी होंगी। ये सभी बेलन आकार की होती है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम बेलन के बारे में कुछ चीजों को जानेंगे। दोस्तों, इस बेलन को देखिए, जिसकी ऊंचाई h है और ऊपरी और निचली पृष्ठ वृत्ताकार है। चलिए अभी इन वृत्त को साइड में रखते हैं, अलग रखते हैं। ये जो हिस्सा बच गया है इस बेलन का, इसको हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो इस वक्र पृष्ठ के अगर हम इस लंबाई को देखेंगे तो आप बता सकते हैं क्या कि ये क्या है? ये उस वृत्त की परिधि है जिसका मान 2 पाई आर होता है। अब अगर हम इस वक्र पृष्ठ को इस प्रकार काटते हैं और इसे खोलते हैं तो ये किस आकार का हो गया? जी हां, ये एक आयत है। और इस आयत की लंबाई क्या होगी? जो उस वृत्त की परिधि थी यानी 2 पाई आर। और इसकी चौड़ाई क्या होगी? जो उस बेलन की ऊंचाई थी, जी हां h। तो किसी भी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी आयत का क्षेत्रफल होता है उसकी लंबाई गुने में उसकी चौड़ाई, यानी l into b। तो यहां पे इसकी लंबाई जो है वो है 2 पाई आर और इसकी जो चौड़ाई है वो है h, यानी कि उस बेलन की ऊंचाई। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो निकल के आता है लंबाई गुने में चौड़ाई, जो हमें बताता है 2 पाई आर गुने में एच। तो ये जो 2 पाई आर गुने में एच निकल के आया है, ये उस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब चलिए दोस्तों, हम इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पहले इन दोनों वृत्तों को भी यहां लाना होगा। अब दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं क्या कि इस वृत्त का जिसकी त्रिज्या आर है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो किसी भी वृत्त का जिसकी त्रिज्या आर हो उसका क्षेत्रफल होता है पाई गुने में आर का वर्ग। तो अब यहां पे अगर हम इस बेलन को देखें तो इस बेलन में तीन चीजें हैं हमारे पास। एक ऊपरी पृष्ठ जो एक वृत्त है, निचली पृष्ठ जो एक वृत्त है, और बीच का आकार। तो बीच के आकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हमने निकाला है जो है 2 पाई आर गुने में h, और ऊपरी और निचली पृष्ठ का त्रिज्या है r। तो इसका क्षेत्रफल हमें पता है कि पाई गुने में r का वर्ग होगा। तो अब चलिए, अब अगर हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो हम दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाला था, तीनों को अगर हम जोड़ दें तो वो एक बेलन बन जाता है। तो वो हमें दे देगा उस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों, वृत्त का जो क्षेत्रफल हमें निकल के आया वो है पाई गुने में आर का वर्ग।
जोर बीच का हिस्सा जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो है 2 पाई आर गुने में एच, और नीचे वाला पृष्ठ जो कि फिर से एक वृत्त है जो कि है पाई गुने में आर का वर्ग। अब अगर हम तीनों को जोड़ें तो हमें निकल के आएगा 2 पाई आर गुने में एच प्लस 2 पाई आर का वर्ग। अब अगर हम इसमें से 2 पाई आर को उभयनिष्ठ कर दें तो हमें ब्रैकेट में बचेगा आर प्लस एच, यानी किसी भी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें जो निकल के आएगा वो आएगा 2 पाई आर गुने में आर प्लस एच। आशा करता हूं आप लोगों को बेलन के बारे में समझ आया होगा, और आप लोग अब जो भी चीज देखेंगे बेलन के आकार की उसके बारे में आप और जान सकेंगे, या फिर उसकी अगर आपको ऊंचाई और वृत्त का त्रिज्या पता हो तो आप उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और रोचक विषय के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरते। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं, या
अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। आइए बच्चों, देखते हैं ज्योति की एक कहानी, प्रेम नगर और शहद का गांव। बदलाव एक दिन में नहीं आता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है, अपनों से और अपने सपनों से। मेरा भी एक सपना था, और फिर दिल्ली से लड़के वाले आए हैं, ज्योति को बुलाओ। ज्योति चली गई। मेरी बेटी को वापस ला दीजिए, कुछ तो गड़बड़ है। मैं बी कीपिंग सीखना चाहती हूँ। क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया बर्बाद हो रही है, किसी को तो पहल करनी होगी। ये इतना आसान नहीं है। हाँ, तुम्हारे साथ है। हमें सीखना होगा उन लोगों से जो इस काम को जानते हैं। अरे, ये हमारा फोन भी नहीं उठा रही है। आपकी चिट्ठी आई है। नमस्कार पवन, मेरा नाम आमिर है। मैं ज्योति के साथ स्कूल में पढ़ने वाली जरीन और अमीना का पिता हूँ। आपकी तरह मेरी भी बेटी है, इसीलिए आपको ये बताना जरूरी है कि ज्योति हमारे साथ झारखंड में सुरक्षित है। तुम देखना, ज्योति हमारा नाम रोशन करेगी। ज्योति! पिताजी, इस गांव को बर्बाद होने से रोकने के लिए मेरे पास एक सल्यूशन है। मुझे तुम पर गर्व है ज्योति। मेरी बेटी वापस आ गई है। प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, उन्हें सुलझाने की हिम्मत होनी चाहिए। आखिर यही तो करता है एक व्यवसायी। हाँ, मैं एक एंटरप्रेनर हूँ, जो प्रेम नगर और शहद के गांव नाम की जगह पर रहती हूँ। तो आइए हमारे साथ और इस रेवोल्यूशन में जुड़ जाइए। प्रेम नगर और शहद का गांव 5 दिन का प्रोजेक्ट है। आप इसे 4-4 के समूह में जाकर पूरा करेंगे। पहला दिन, क्षेत्र शोध। मधुमक्खी पालक के पास जाए, उनसे उनके कौशलों के बारे में पूछे। मधुमक्खी का जीवन कितना होता है, शहद की जानकारी, व्यापार की जानकारी, वे अपनी मधुमक्खियों के साथ कहां कहां जाती है। नोट्स बनाना और फोटो लेना ना भूले। दूसरा दिन, खेत में जाकर रिसर्च। किसानों से जाकर पूछे कि वे क्या उगाते हैं, क्या वे जैविक खाद का प्रयोग करते हैं, और क्या उन्हें लगता है कि मधुमक्खियों से उन्हें फायदा होगा। तीसरा दिन, बाजार में जाकर शोध। उन दुकानों में जाइए जहां शहद बिकता है, वहां जो जो कंपनियों के शहद बिक रहे हैं उनकी सूची बनाइए। देखिए कि शहद की बरनी प्लास्टिक की है या कांच की, उनकी कीमत कितनी है, देखिए उसमें क्या क्या है, और हाँ, फोटोज खींचना ना भूले। चौथा दिन, आप अपने समूह के साथ
सोचे कि क्या कुछ और शोध करना जरूरी है, और अगर है तो वहां जाइए। आप कृषि विज्ञान केंद्र जा सकते हैं, या जैविक किसान से मिल सकते हैं, या जैविक खेत जा सकते हैं। पांचवा दिन, अपनी व्यापार की योजना लिखिए। सब साथ मिलकर अपना रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट करें और उसे चेक करने के लिए अपने शिक्षक को दे। ये करने के बाद दूसरी कहानी देखिए, पढ़िए और सीखिए, क्योंकि युवा उद्यमी कभी रुकते नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। तो ये वीडियो है वास्तविक संख्याएं का पार्ट वन। चलिए देखते हैं पार्ट वन में हम क्या पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, चलिए थ्योरम देखते हैं एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। प्रमेय 1.1, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ जमा R हो, जहां पर R 0 से बड़ा या बराबर है तथा R B से छोटा है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो पूर्णांक दिया हो, धनात्मक पूर्णांक, तो हम ऐसी दो संख्याएं निकाल सकते हैं Q और R, जिससे A बराबर BQ जमा R एक जो समीकरण है वो सेटिस्फाई करेगा, और R जो है, R यहाँ पर शेषफल दर्शाता है, R 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और R B से छोटा होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो घनात्मक पूर्णांकों का HCF परिकलित करने की एक तकनीक है, यानी HCF निकालने के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। आपको याद होगा कि दो धनात्मक पूर्णांक A और B का HCF सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक D है, जो A और B दोनों को विभाजित करता है। मतलब HCF, जिसको हम इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, वो दो संख्याओं का वो सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक होता है जो दोनों ही संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करता है। दो धनात्मक पूर्णांकों, मान लीजिए C और D, जहां C D से बड़ा है, का HCF प्राप्त करने के लिए नीचे दिए हुए चरणों का अनुसरण कीजिए। यानी ये वो सारे स्टेप्स हैं, वो चरण हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालने के। स्टेप वन, C और D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। इसीलिए हम इसे Q और R ज्ञात कर सकते हैं कि C बराबर DQ जमा R हो, जहां C दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या है, बराबर D छोटी संख्या, Q भाजक जमा R शेषफल। जो शेषफल है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा तथा ये शेषफल D से छोटा होगा। चरण 2 यानी स्टेप 2, यदि R 0 के बराबर, यहाँ पे हमारे पास दो केसेस आते हैं, या R 0 के बराबर होगा या R 0 से बड़ा होगा। तो यदि R 0 के बराबर है, तब D पूर्णांक को C और D का HCF है, और यहीं पे हमारा हल प्राप्त हो जाएगा। दूसरा केस, यदि R 0 के बराबर नहीं है, तो D और R के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फिर से प्रयोग कीजिए। स्टेप 3, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। इसी स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित HCF होगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। हल, पहला चरण, यहाँ पे 12576 बड़ा है 4052 से, तो हम 12576 और 4052 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे।
और हमें प्राप्त होगा 12,576 बराबर 4,052 गुने में 3 जमा 420। चलिए देखते हैं ये हमने कैसे प्राप्त किया। भाग का साइन बनाएंगे, जो इन दोनों में से बड़ी संख्या है उसको भाज्य के रूप में लिखेंगे तथा जो छोटी संख्या है उसको भाजक की जगह लिखेंगे और इसको भाग देंगे। तीन बार में ये आएगा 12,156, तो घटाने पर हमें शेषफल 420 प्राप्त होता है, क्योंकि शेषफल 420 जीरो के बराबर नहीं है, इसीलिए हम 4,052 और 420 के लिए यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करके निम्नलिखित प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं अब हम इसके आगे अगला स्टेप कैसे लेंगे। ये हमारा पिछला आंसर है। दूसरा हम भाग का साइन फिर से बनाएंगे तथा 4,052 जो कि पिछले स्टेप पर भाजक था उसको हम भाज्य की तरह यहाँ लिखेंगे तथा 420 जो पिछले स्टेप में शेषफल था उसको हम भाजक के रूप में लिखेंगे। तो हर बार हमें ये इसी प्रकार करना है, भाजक को भाज्य की तरह लिखना है तथा शेषफल को भाजक की तरह लिखना है। फिर हम इसको दोबारा भाग करेंगे। 9 बार में ये आता है 3,780, घटाने पर शेषफल प्राप्त होगा 272, क्योंकि शेषफल 272 जीरो के बराबर नहीं है, तो हम 272 तथा 420 में दोबारा से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो नए भाजक 420 और नए शेषफल 272 को लेकर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। इससे हमें प्राप्त होगा 420 बराबर 272 गुने में 1 जमा 148। इसमें हम फिर 420 को भाज्य के रूप में लिखेंगे तथा 272 को भाजक के रूप में लिखेंगे तथा एक आया हमारा भागफल। इसको भाग देने पर शेषफल प्राप्त होता है 148। नए भाजक 272 और नए शेषफल 148 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फिर से प्रयोग करेंगे और ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा शेषफल जीरो नहीं आता। अब 148 और 272 को लेते हैं और आगे हल करते हैं। इस पे फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर हमें 148 भाजक प्राप्त हुआ है तथा शेषफल 124 प्राप्त हुआ है, जिस पे हम फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। इससे ये आएगा 148 बराबर में 124 गुने में 1 जमा 24। हम नए भाजक 124 और नए शेषफल 24 पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग फिर से करेंगे और इससे हमें मिलेगा 124 बराबर 24 गुने में 5 जमा 4। अब नया भाजक है 24 और नया शेषफल है 4। इस पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये लास्ट स्टेप है इसलिए इसको डिटेल में देखते हैं। अब 24 को हम भाज्य की जगह पर लिखेंगे तथा 4 को भाजक की जगह पर लिखेंगे। 4 में अगर हम 6 से गुना करते हैं तो 24 प्राप्त होगा, यानी इस स्टेप पर हमारा जो उत्तर है, जो शेषफल है, वो 0 आता है, क्योंकि अब शेषफल 0 के बराबर आ चुका है। तो इस स्टेप पे जो हमारा भाजक है यानी कि 4, वो इस प्रश्न का उत्तर है, यानी 4,052 तथा 12,576 का HCF 4 है। इस वीडियो में हमने सीखा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अगली वीडियो में हम देखेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, भाज्य संख्या की परिभाषा तथा HCF और LCM।
राजू जरा इधर आना। चाचा प्रणाम। प्रणाम। ये बताओ कि स्कूल से ड्रेस का पैसा मिला कि नहीं? मिल गया, पिछले हफ्ता मिल गया। और छात्रवृत्ति? चाचा वो तो अब खाता में ही चला आता है। अरे वाह, ये सब तो इसको खूब पता है। पर ये पता है तुम्हारा लड़का स्कूल में काका सीखता है? ये हंसने का नहीं, सोचने का वक्त है। सिर्फ बैट हाथ में दे देने से कोई सचिन नहीं बन जाता। उसी तरह ड्रेस सिलवाकर पहनाकर स्कूल भेज देने से पिंटू होनहार नहीं बन जाएगा। अब जरूरत है कि माता पिता बच्चे स्कूल में क्या सीख रहे हैं उस पर ध्यान दें, तभी वक्त के साथ ये भी आगे बढ़ेंगे और हम भी। चाचा हम तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। आइए जानें कोरोना वायरस या COVID-19 से बचाव के लिए हाथ धोने की प्रक्रिया। सबसे पहले हम पानी लेंगे, हाथ को भिगोएंगे, फिर हम साबुन लेके झाग बनाएंगे। झाग बनाने के बाद अच्छे से हाथ धोने के लिए हमारे 8 चरण हैं, जिसमें सबसे पहला चरण दोनों हथेलियों को गोला करते हुए हम रगड़ेंगे। दूसरा चरण, इसमें हम बाएं हाथ की हथेली दाएं हाथ की हथेली के ऊपर रख के उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे, इसी प्रकार दूसरे हाथ में दोहराएंगे। तीसरा चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे। चौथा चरण, जिसमें हम बाएं हाथ के अंगूठे को दाएं हाथ से पकड़ेंगे और गोल करते हुए रगड़ेंगे, इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में इसे दोहराएंगे। पांचवा चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार फंसाएंगे और इसे ऊपर नीचे रगड़ेंगे। छठा चरण, जिसमें हम हथेली में हम दाएं हाथ की उंगलियों को गोल करते हुए रगड़ेंगे, इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी इसे करेंगे। सातवां चरण, जिसमें हम कलाई को रगड़ेंगे नीचे की तरफ, इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी दोहराएंगे। आठवां चरण, हम पानी से साबुन को धोएंगे। यह प्रक्रिया हम 20 सेकेंड तक अच्छी तरह से करेंगे, फिर हम किसी साफ टॉवल और टिश्यू से हाथों को पोंछ लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलिए जानते हैं कि इस अध्याय के पहले भाग में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक बदलाव के बारे में। इसके बाद हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया को और अंत में हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं रासायनिक बदलाव को जानते हुए। कुछ परिस्थितियां दी गई हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। क्या होता है जब हम गर्मी के मौसम में दूध को खुला छोड़ देते हैं? आपने ध्यान दिया होगा कि दूध को गर्मियों के मौसम में खुला छोड़ने पे वो दही में बदल जाता है। इसके अलावा अगर हम लोहे की वस्तु को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दें तो क्या होता है? आपने ध्यान दिया होगा कि लोहे की जो वस्तुएं होती हैं उन पे एक पतली सी भूरे रंग की परत आ जाती है, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि लोहे में जंग लग गया है। इसके अलावा जब हम भोजन को पकाते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि उसमें कई तरीके के बदलाव आते हैं। तो अगर हम इन तीनों बदलावों की बात करें जिन्हें हमने अभी देखा, तो हमें एक बात पता चलेगी कि इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल गई है। जैसा कि धातु की बात करें तो धातु में बाद में एक परत आ गई थी जो भूरे रंग की थी,
दूध की बात करें तो वो दही में बदल गया था और भोजन में कई तरीके के बदलाव आने के बाद वो पक गया था। ये जितने भी बदलाव थे ये सभी रासायनिक बदलाव थे और ये हमें बताते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। वो किस तरह से? जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो सवाल ये आता है कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ है क्या? तो चलिए जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया में एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतरक्रिया करके परिवर्तित होते हैं और एक या अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ को बनाते हैं, जैसा कि हमने अभी इन तीनों परिस्थितियों में देखा था कि धातु जो था वो बदल गया था और भूरे रंग का हो गया था, जो दही थी वो दूध से बनी थी और जो हमारा भोजन था वो पक गया था। एक और उदाहरण देखें तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब यहाँ तो हमें बता दिया गया कि ये रासायनिक अभिक्रिया है, पर किसी क्रिया को देखकर हमें पता कैसे चलेगा कि वो रासायनिक है या नहीं है? ये पता करने के लिए जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उन सभी के कुछ संकेत होते हैं। चलिए जानते हैं कि वो संकेत क्या हैं जिनसे हमें ये पता चलेगा कि जो क्रिया हुई है वो रासायनिक है या नहीं। सबसे पहला है अवस्था में परिवर्तन। जैसा कि हम जानते हैं कि तीन तरीके की अवस्था होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो मान लीजिए कि कोई तत्व ठोस अवस्था में था और क्रिया के बाद वो द्रव अवस्था या फिर गैस अवस्था में परिवर्तित हो गया, तो हम कह सकते हैं कि जो क्रिया हुई है वो रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा है रंग में परिवर्तन। अगर किसी तत्व के रंग में परिवर्तन होता है तो जिस कारण से वो परिवर्तन होगा हम कह सकते हैं कि वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। तीसरा है गैस का निकास या उत्सर्जन। अगर किसी कारणवश किसी तत्व से किसी गैस का निकास होना शुरू हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो बदलाव हुआ है वो एक रासायनिक बदलाव है। और आखिरी में हम बात करेंगे तापमान में परिवर्तन की। अगर किसी तत्व के तापमान में परिवर्तन आता है तो जिस कारणवश वो परिवर्तन आया है वो भी एक रासायनिक बदलाव होगा। ये तो थी रासायनिक बदलाव की बात। अब मान लीजिए कि आपको इन बदलाव को लिखना हो तो आप किस तरीके से लिखेंगे? तो चलिए जानते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। उदाहरण लेते हैं मैग्नीशियम रिबन वाला, जहां पर मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ जब रासायनिक अभिक्रिया करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इसे कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, जिससे हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इससे फायदा क्या होगा? अब हमें पूरा नहीं लिखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। अब हम उसे बहुत छोटे में लिख सकते हैं, मैग्नीशियम जमा में ऑक्सीजन, उससे हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने पूरी अभिक्रिया को बहुत ही संक्षेप में लिखा है। अब यहाँ पर हमने शब्दों का यूज किया है, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। क्योंकि यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो इस तरीके की समीकरण को हम कहते हैं शब्द समीकरण। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना। सबसे पहले हमने बात करी रासायनिक बदलाव के बारे में, जहाँ पे हमने कुछ उदाहरण लिए थे, जैसे कि दूध का दही में परिवर्तन या फिर लोहे के ऊपर जंग लगना या फिर भोजन का पकना। उसके बाद हमने बात करी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, जहाँ पर हमने ये जाना कि रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व होता है उसकी प्रकृति बदल जाती है और एक भिन्न प्रकृति वाले तत्व का निर्माण होता है। उसके बाद हमने बात करी रासायनिक समीकरण के बारे में,
जहां हमने ये जाना कि रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप रूप में किस तरीके से लिखा जा सकता है। चलिए आप जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण को किस तरीके से लिखा जा सकता है उसके बारे में। उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इन रासायनिक समीकरण को संतुलित किस तरीके से किया जा सकता है और इन्हें संतुलित करने का महत्व क्या है। धन्यवाद। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। Oh,
किशोरियां बनती हैं, किशोरियां फिर नारी बनती हैं। आशा करता हूँ कि आज के एपिसोड में आपको जो भी बातें बताई गई हो, जो भी पाठ पढ़ाया गया हो, जो भी विषय पढ़ाया गया हो, उसे आप अच्छे से समझ पाए होंगे और जरूरी बातों को अपने कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। आपको एपिसोड के शुरुआत में भी बोला गया था कि अपने सवालों को भी नोट कीजिएगा, जो भी शंकाएं आएंगी। अब आप इन सवालों को उन्नयन ऐप पर पोस्ट करके अपना जवाब पा सकते हैं, और यदि आपके पास मोबाइल या इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं वो नोट कर लीजिए। दो नंबर है, पहला है 9709519929 और दूसरा नंबर है 9025592475। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी नोट कर लीजिए, biharunnayan@gmail.com biharunnayan@gmail.com biharunnayan@gmail.com। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम कुछ और रोचक पाठ को पढ़ेंगे, जिसमें कक्षा 9 के भी पाठ होंगे, 10 के भी होंगे, और जैसे आज हमने ज्योति के बारे में एक कहानी सुनी, वैसे ही एक और मजेदार कहानी के साथ मिलेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय दोस्तों।